सो चलिए गाइस, अब हमें इस वीडियो में क्या करना है, लास्ट नेमिंग केमिकल रिएक्शन इन द केस ऑफ एल्डिहाइड्स एंड दैट इज कैनिज़ारो रिएक्शन। अगेन ये एक नेमिंग केमिकल रिएक्शन है तो इंपॉर्टेंट हो जाती है। सबसे पहले मैं आपको यहां पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखवाऊंगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बाद मैं आपको यहां पर केमिकल रिएक्शन दिखाऊंगा और उसके बाद इसकी मैकेनिज्म के ऊपर डिस्कशन करेंगे और बैक टू बैक प्रीमियर में इसकी शॉर्ट ट्रिक और इसके क्वेश्चन भी करने वाले हैं। सो चलिए गाइस शुरू करते हैं। और एक बात ध्यान रखिएगा, आईआईटी जेई नीट एम्स और जितने भी एग्जाम देने वाले हो उन सभी के पॉइंट ऑफ व्यू से दोनों केमिकल रिएक्शन एल्डोल एंड कैनिज़ारो दोनों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो चलिए यहां पर सबसे पहले कैनिज़ारो रिएक्शन के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखते हैं। अब पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखिए ना, द फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज कैनिज़ारो रिएक्शन कौन दिखाते हैं, सिर्फ और सिर्फ एल्डिहाइड्स। मैं लिख रहा हूं एल्डिहाइड्स विच, उसमें भी कंडीशन है विच डू नॉट हैव अल्फा हाइड्रोजन्स। बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसे एल्डिहाइड्स जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होते वो कैनिज़ारो रिएक्शन दिखाते हैं। एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल के तौर पे क्या लिख सकते हो, जैसे कि फॉर्मेल्डिहाइड HCHO, क्या इसके पास अल्फा हाइड्रोजन है, नहीं है, क्लियर हो गया। जैसे कि बेंजल्डिहाइड C6H5CHO, क्या इसके पास अल्फा हाइड्रोजन है, नहीं है, तो ये कैनिज़ारो रिएक्शन दिखाएंगे। सबको समझ में आ गया, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो फर्स्ट पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट, सेकेंड पॉइंट क्या है, यहां पर ये जो कैनिज़ारो केमिकल रिएक्शन होती है वो कॉन्सेंट्रेटेड KOH यानी कि हाईली बेसिक मीडियम में की जाती है, हाईली बेसिक मीडियम में की जाती है, ये ध्यान रखने की जरूरत है। पहली चीज तो आपको याद है एल्डोल में क्या होता था, एल्डोल में इसका जस्ट अपोजिट है, एल्डोल वहां पर होते थे जहां पर एल्डिहाइड में अल्फा हाइड्रोजन होने जरूरी थे, यहां पर एल्डिहाइड में अल्फा हाइड्रोजन जिसके पास नहीं होंगे वो कैनिज़ारो देगा, जस्ट अपोजिट। वहां पर डिल्यूटेड बेसिक मीडियम लेते थे, डिल्यूटेड NaOH लिखते थे वहां पर, यहां पर कॉन्सेंट्रेटेड KOH ले रहे हैं आप, कॉन्सेंट्रेटेड मतलब बेसिक मीडियम हाईली बेसिक है, और साथ में किसका इस्तेमाल करेंगे, हीटिंग का, ये तो है ही, ठीक है। सो ये दो पॉइंट काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा इसको, अभी दो पॉइंट और है, ध्यान से इसको चेक करिए। तीसरा पॉइंट में है केमिकल रिएक्शन। अब केमिकल रिएक्शन लिखने के बाद मैं आपको इसका चौथा पॉइंट बताऊंगा जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो चलो इसका केमिकल रिएक्शन लिख के देखते हैं। तो मैंने आपसे अभी कहा कि यहां पर फॉर्मेल्डिहाइड बेंजल्डिहाइड ये सब कैनिज़ारो रिएक्शन दिखाते हैं जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, तो इनमें इनकी दो यूनिट इस्तेमाल की जाती है। मैं मान लेता हूं कि भाई यहां पर ये देखिए, मैंने फॉर्मेल्डिहाइड की एक यूनिट ली, ये फॉर्मेल्डिहाइड की दूसरी यूनिट है, ठीक है, जरूरी नहीं है आपको दो लिखी हुई मिले, क्लियर होता है, ये मैंने सेपरेटली लिख दी, यहां पर सिर्फ फॉर्मेल्डिहाइड लिखा मिल सकता है, सीधा एरो भी लगाया जा सकता है, उसके सामने दो भी लिखा जा सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। तो यहां पर मैंने फॉर्मेल्डिहाइड की दो यूनिट ले ली और यहां पर एरो पर लिख दिया एक तो कॉन्सेंट्रेटेड KOH, क्लियर हो गया, और प्लस साथ में दूसरे नंबर पर क्या है, हीटिंग। तो होता कुछ यूं है कि ये जो दो यूनिट है उसमें से एक यूनिट का साइमल्टेनियस ऑक्सीडेशन और दूसरे यूनिट का साइमल्टेनियस रिडक्शन होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस केमिकल रिएक्शन की खास बात क्या है, यहां पर साइमल्टेनियस ऑक्सीडेशन होगा एक यूनिट का, क्लियर होता है, और साइमल्टेनियस रिडक्शन होगा दूसरी यूनिट का, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये होता कैसे है वो मैं आपको मैकेनिज्म से बताऊंगा, क्लियर होता है। अब ये है तो फॉर्मेल्डिहाइड, अब इसमें इसी फॉर्मेल्डिहाइड का एक बार ऑक्सीडेशन होगा, इसी फॉर्मेल्डिहाइड का एक बार रिडक्शन होगा, तो ये केमिकल रिएक्शन कैसी कहलाएंगी, मैं यहां पर लिखता हूं इसी रिएक्शन को जहां पर एक ही यूनिट का ऑक्सीडेशन भी हो रहा हो और उसी यूनिट का रिडक्शन भी हो रहा हो, तो ऐसी केमिकल रिएक्शन को हम लोग डिसप्रोपोर्शनेशन केमिकल रिएक्शन कहते हैं, याद है रेडॉक्स में पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा तो 11th में जाके चेक करो। डिसप्रोपोर्शनेशन केमिकल रिएक्शन वो केमिकल रिएक्शन होती है जिसमें सेम ही कंपाउंड का ऑक्सीडेशन और उसी का रिडक्शन होता है, तो यहां पर इसी का ऑक्सीडेशन और इसी का रिडक्शन हो रहा है, क्लियर हो गया सब लोगों को, ये एक ही यूनिट है, मैं दो बार लिख दिया है। सो फाइनली दीज आर ऑल्सो कॉल्ड डिसप्रोपोर्शनेशन, मैं लिख देता हूं डिसप्रोपोर्शनेशन, ठीक है, प्रोपोर्शनेशन केमिकल रिएक्शन, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इनको हम लोग डिसप्रोपोर्शनेशन केमिकल रिएक्शंस भी कहते हैं। लेकिन सवाल है कि यहां पर बनेगा क्या, तो चलो मैं आपको एक आइडिया देता हूं। अब जरा सोचो, यहां पर अगर मैंने बीच में एल्डिहाइड लिख दिया, ठीक है, एल्डिहाइड के ऑक्सीडेशन से इतना अंदाजा हो जाना चाहिए आपको, आपने केमिस्ट्री ऑर्गेनिक बहुत ज्यादा पढ़ चुके हो आप, एल्डिहाइड के ऑक्सीडेशन से क्या बनता है, कार्बोक्सिलिक एसिड, याद है कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है, अगर सिर्फ एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन कराना हो तो उसका क्या बनेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड।
और अगर एल्डिहाइड का सिर्फ रिडक्शन करवा रहे हो तो क्या बनेगा? एल्कोहल। याद है, बहुत सिंपल है ये, आप काफी बार प्रिपरेशन कर चुके एक दूसरे की इनसे, और ये पॉइंट आपको क्लियर होना चाहिए। क्लियर हो गया? ऑक्सीडेशन का मतलब होता है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। तो जब आप एल्डिहाइड, जरा खुद से सोचो, आप CHO से चले जाओगे COOH के अंदर, तो हो गया ना ऑक्सीडेशन भाई? नहीं हुआ? अगर आप CHO से चले गए किस पे, CH2OH के अंदर, तो हो गया ना रिडक्शन एल्कोहल बनने से। ये तो नॉर्मल चीजें हैं, ये तो पता होनी चाहिए, बस ये काम करना है। बस यहां पर फर्क क्या, देखिए यहां पर फर्क सिर्फ इतना है कि यहां पर इस यूनिट का अगर ऑक्सीडेशन करवाएंगे तो क्या बनेगा, जरा चेक करो। यहां पर C डबल बॉन्ड O, यहां पर H तो है ही, यहां पर O। क्लियर हो गया? ये देखिए ऑक्सीजन जुड़ गया, बिल्कुल सही है। लेकिन ऑक्सीजन का यहां पर क्या बनेगा, यहां पर कार्बोक्सिलिक एसिड वाला सोल्ट बनेगा। यहां पर KOH है तो O पे माइनस और K पे प्लस, एसिड नहीं बनेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड का सोल्ट बनेगा। इसका जवाब मैं आपको थोड़ी देर में दूंगा, डोंट वरी, मैकेनिज्म में बताऊंगा। तो पहला कंपाउंड तो ये बनेगा। क्लियर हो गया? कार्बोक्सिलिक एसिड का सोल्ट। क्लियर हो गया? तो पहला तो ये बन गया। दूसरा, इसका रिडक्शन करा, रिडक्शन में क्या बनेगा, एल्कोहल। बहुत आसान है, सी दो हाइड्रोजन तो पहले से ही है, तो एल्कोहल बनाने के लिए क्या करो, इस पाई बॉन्ड को ऊपर खींच दो, इस ऑक्सीजन को एक हाइड्रोजन दे दो, इस कार्बन को भी एक हाइड्रोजन दे दो, तो क्या बन जाएगा, दैट इज CH3OH। ये देखिए एल्कोहल। तो एक का हो गया ऑक्सीडेशन, दूसरे का हो गया रिडक्शन। ऑक्सीडेशन से क्या बना हमारे पास, कार्बोक्सिलिक एसिड का सोल्ट, यही बना। यहां पर इसको फॉर्मेट कहेंगे, ठीक है, फॉर्मिक एसिड होता है ना, फॉर्मेट। और वहां पर मिथाइल एल्कोहल बन गया। क्लियर होता है सब लोगों को? एक बार ऑक्सीडेशन, एक बार रिडक्शन, क्लियर होता है? अब सवाल यह है कि ये कैसे बना, उसको हम लोग चेक करते हैं। लेकिन एक बार सारे के सारे पॉइंट ध्यान से चेक कर लो। पहला पॉइंट कि ये उन कंपाउंड्स में होगा जहां पर एल्डिहाइड के पास अल्फा हाइड्रोजन ना हो। दूसरी बात, यहां पर कॉन्सेंट्रेटेड KOH लेते हैं, हाईली बेसिक मीडियम प्लस हीट। केमिकल रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, सेम यूनिट का ऑक्सीडेशन, सेम यूनिट का रिडक्शन होगा। यहां पर ऑक्सीडेशन से कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा और रिडक्शन से एल्कोहल बनेगा, जैसा कि ऊपर मैंने शॉर्ट ट्रिक में लिखी दिया है। और इसी वजह से इसको हम लोग डिसप्रोपोर्शनेशन केमिकल रिएक्शन भी कहते हैं। अब इसके मैकेनिज्म को चेक करते हैं, टिल देन फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, आगे चलते हैं, ले लीजिए। सो चलिए गाइस, अब कैनिजार और रिएक्शन की मैकेनिज्म चेक कर लेते हैं, बहुत ध्यान से उसको चेक करेगा। देखिए यहां पर कैनिजार और रिएक्शन की मैकेनिज्म को चेक करते हैं, मैं लिखता हूं मैकेनिज्म, ठीक है। सो मैकेनिज्म देखिए, सबसे पहले क्या होगा जरा चेक करिएगा। मैं यहां पर क्या करता हूं, फॉर्मेल्डिहाइड लेता हूं, उसकी पहली यूनिट, तो यहां पर कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ये हाइड्रोजन और ये दूसरा हाइड्रोजन। अब आपको पता है हमने यहां पर क्या डाल रखा है, KOH, जो कि कॉन्सेंट्रेटेड है। कॉन्सेंट्रेटेड मतलब एक्चुअल में काफी एक्सेस में है, ठीक है। सो देखिए KOH का काम क्या है, जो कि एक बेस है, वो क्या करेगा, OH- आयन देगा। अब OH- आयन यहां पर दिखाई दे रहा है सब लोगों को, इसका काम क्या है, इस नेगेटिव को चाहिए पॉजिटिव, क्लियर है। अब वो पॉजिटिव इसको कहां दिखाई देगा, यहां पर इस कार्बन पे। ऐसा क्यों, क्योंकि ऊपर ऑक्सीजन है जिसपे पार्शियल नेगेटिव है। अब ये हाइड्रोजन पे पॉजिटिव नहीं है, क्योंकि हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑलमोस्ट सिमिलर होती है, तो यहां पर इतना पार्शियल पॉजिटिव नहीं है। तो इस केस में ये नेगेटिव क्या करेगा, इस कार्बन को अप्रोच करेगा। अगर इसने कार्बन को अप्रोच किया तो यहां से ये दोनों पाई इलेक्ट्रॉन्स खिसक के किस पे चले जाएंगे, ऑक्सीजन पे। क्या बना जरा चेक करिए, ये कार्बन, अब यहां पर ऑक्सीजन जिस पे है माइनस। अब टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर में आ गए ये चेक करिएगा। ये देखिए ये टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर में आ गए। देखिए यहां पर ये OH जुड़ गया, ये हाइड्रोजन, हाइड्रोजन और वो ऑक्सीजन उस पे नेगेटिव, क्योंकि उसने पाई इलेक्ट्रॉन्स खींच लिए। अब देखिए आगे क्या होगा, जरा चेक करिए। अब यहां पर आगे का सीन देखिए, अब आएगी दूसरी यूनिट पिक्चर में। टोटल दो यूनिट इस्तेमाल कर रहे थे, दूसरी यूनिट आएगी फॉर्मेल्डिहाइड की। दूसरी यूनिट में यहां लिखता हूं कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ये है हाइड्रोजन, अब ये है हाइड्रोजन। चेक करिएगा, अब ये नेगेटिव एज अ न्यूक्लियोफाइल काम करेगा, इसको पॉजिटिव सेंटर की जरूरत है। तो ये क्या कर सकता है, जरा सोचिए, इस पे है कार्बन पे पॉजिटिव, क्योंकि इस पे पार्शियल नेगेटिव है। अब या तो ये हो जाए कि ये जो नेगेटिव है अपने इलेक्ट्रॉन इस कार्बन को डोनेट करे, जो कि पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इससे जो कंपाउंड बनेगा बेसिकली वो स्टेबल नहीं है। तो ये पॉसिबिलिटी बनती नहीं है कि ये अपने इलेक्ट्रॉन उस यूनिट को यहां पर डोनेट करे, ये नहीं हो सकता है। तब क्या हो सकता है, अब इस केस में क्या होएगा, ये ऑक्सीजन जिसने दोनों इलेक्ट्रॉन अभी खींचे थे वो वापस से बैक बॉन्डिंग करेगा। वापस से दोनों इलेक्ट्रॉन अगर फेंकेगा और यहां पर बॉन्ड की फॉर्मेशन करेगा, तो ऑब्वियसली जब एक बॉन्ड बनता है तो दूसरा किसी को बॉन्ड को तोड़ना पड़ेगा यहां पर,
कौन सा बॉन्ड टूटेगा जरा सोचो भाई। यहां पर आपने जैसी बॉन्ड की फॉर्मेशन करी, अगर आप यह सोच रहे हो कि यहां से OH बाहर निकल जाए तो आप तो पीछे की तरफ आ जाओगे, और पहली बात तो पीछे की तरफ आ गए तो आप केमिकल रिएक्शन को आगे प्रोसीड ही नहीं कर रहे हो, दूसरी बात पीछे की तरफ इसलिए भी नहीं आएगा क्योंकि यहां पर OH- की कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज्यादा है और आप लोग पुश कर रहे हो कि ये केमिकल रिएक्शन आगे की तरफ जाए। ली केटलियर प्रिंसिपल को याद करो, अगर रिएक्टेंट ज्यादा है तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाती है, तो इसका मतलब OH तो नहीं निकलेगा बैक बॉन्डिंग से। तो इसका मतलब क्या, जरा देखिए, जैसे ही ऑक्सीजन वापस इलेक्ट्रॉन फेंक के यहां पर बॉन्ड की फॉर्मेशन करेगा, इनमें से कोई एक हाइड्रोजन बाहर निकलेगा और तो कोई चांस नहीं है, तो कोई भी एक हाइड्रोजन हाइड्राइड की फॉर्म में इलेक्ट्रॉन लेके बाहर निकलेगा। ध्यान से इसको चेक करेगा, हाइड्राइड की फॉर्म में बाहर निकला मतलब H- की फॉर्म में बाहर निकलेगा। अभी H- वो रहा कार्बन पे प्लस और ये बाहर निकल के इस कार्बन को अप्रोच करेगा। बहुत इंटरेस्टिंग है, चेक करेगा, यहां पर ऑक्सीजन ने वापस से बैक बॉन्डिंग करी, हाइड्रोजन हाइड्राइड की फॉर्म में बाहर निकला, ये वही हाइड्रोजन है, ये रहा, और इसने अप्रोच किया उस कार्बन को। अब क्या बना जरा चेक करिए। सो फाइनली मैं नीचे दिखाता हूं आपको, तो यहां पर सीन देखिए कुछ ऐसा क्रिएट हो गया। पहले इसको लिखता हूं, ये कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, यहां पर तो हाइड्रोजन था ही और यहां पर क्या हो गया, अब जरा चेक करिए, ये OH दिखाई दे रहा है, अब ये जुड़ गया, ये तो निकल गया, अब ये जुड़ गया, तो यहां पे पास आपके पास फॉर्मिक एसिड की फॉर्मेशन हो गई। अब ये क्या है, फॉर्मिक एसिड, मैं लिखता हूं ध्यान से इसको चेक करेगा। नाउ दिस इज फॉर्मिक एसिड, प्लस साथ में क्या बना हुआ है जरा चेक करो, इस हाइड्रोजन ने उसको अप्रोच किया, जैसे ही अप्रोच करेगा यहां से एक बॉन्ड टूटेगा तो ऑक्सीजन ने पाई इलेक्ट्रॉन्स खींच लिए, तो इस केस में क्या बनेगा, ये कार्बन ऑक्सीजन पे आ गया है माइनस, और आप देखिए एक हाइड्रोजन ये रहा जो कार्बन के साथ जुड़ा है, दो हाइड्रोजन ये रहे, तो मैं यहां पर सीधे भी लिख सकता हूं ठीक है, लेकिन यहां पर मैं इसको इस तरह से लिख देता हूं, चलो सीधे लिख देता हूं CH3 एंड देन ओ पे माइनस है, और क्योंकि यहां पर KOH है तो यहां पर के प्लस भी था ठीक है, तो के प्लस उसके साथ अब रहेगा, क्लियर हो गया सब लोगों को, ओ पे माइनस है के पे प्लस है। अब जरा ध्यान से देखिए, ये एसिड है वो एज अ बेस काम करेगा, क्लियर हो गया, ये एसिड और ये बेस आपस में रिएक्ट करेंगे ठीक है। सो अब क्या होगा, एसिड क्या करेगा, अपना हाइड्रोजन देगा, और ये हाइड्रोजन किसके साथ चला जाएगा, इस ऑक्सीजन के साथ, समझ में आ गया सब लोगों को, ये एसिड है वो एज अ बेस काम करेगा, एसिड बेस आपस में रिएक्ट करके क्या बनाएंगे जरा चेक करिए, ये हाइड्रोजन उस नेगेटिव वाले पार्ट के साथ चला जाएगा, तो यहां से क्या बनेगा, एक तो बन गया CH3 एंड देन OH, क्लियर हो गया सब लोगों को। इस ऑक्सीजन ने दोनों इलेक्ट्रॉन खींचे तो H+ की फॉर्म में बाहर निकला था, तो इस ऑक्सीजन पे माइनस है और वो रहा K+, वो आपस में जुड़ जाएंगे और एक इस तरह का कार्बोक्सिलिक एसिड वाला सोल्ट यहां पर बना लेंगे। ये देखिए सीड यहां पर डबल O, उसके बाद यहां पर H, यहां पर क्या है O पे माइनस और K पे क्या है प्लस, ये रहा, इसको क्या बोलते हैं फॉर्मेट, क्लियर हो गया। सो कार्बोक्सिलिक एसिड का सोल्ट यहां पर बन गया ठीक है, और साथ में क्या बना, ये मिथाइल अल्कोहल, ये भी तैयार हो गया, और हमने यही कहा था मिथाइल अल्कोहल। तो देखिए गाइज, इस तरह से यहां पर एक यूनिट का हो चुका है क्या, एक यूनिट का हो चुका है ऑक्सीडेशन और एक यूनिट का हो चुका है रिडक्शन, अगर मैंने यहां पर दो यूनिट लिए हैं तो इस तरह से आप इसको परफॉर्म कर सकते हो, क्लियर हो गया। सो यहां पर दो यूनिट है तो एक का ऑक्सीडेशन होकर यहां पर एसिड, यहां पर कार्बोक्सिलिक एसिड का सोल्ट बनेगा, और एक का होगा रिडक्शन जिससे आपको क्या बनाना है एल्कोहल ठीक है। सो ये काफी इंटरेस्टिंग है। अब ध्यान से इस केमिकल रिएक्शन की मैकेनिज्म को चेक कर लो कि किस तरह से क्या हो रहा है, क्लियर हो गया सब लोगों को। सो ये था मैकेनिज्म ऑफ कैनिजारो रिएक्शन, इसको ध्यान से स्क्रीनशॉट ले लो गाइस। सो फाइनली हमने यहां पर कैनिजारो रिएक्शन भी कर ली। अब इसके लिए आप एक काम करिए, यही सारा गेम आप किसके ऊपर करके देखिए, यहां पर ये बेंजाल्डिहाइड के ऊपर कैनिजारो रिएक्शन करके देखिए अभी के अभी ठीक है। सो ये आपको एज अ होमवर्क दे रहा हूं, अगर आपके पास ये दिया होता तो आपको क्या करना होता, खुद से ट्राई करके देखो, कुछ नहीं करना, बेंजाल्डिहाइड का एक बार ऑक्सीडेशन करके सोल्ट बना दो, सोल्ट पर रुकना है ध्यान रखना, एक बार रिडक्शन, क्लियर हो गया सब लोगों को। ऑक्सीडेशन से कार्बोक्सिलिक एसिड का सोल्ट और रिडक्शन से कार्बोक्सिलिक एसिड का सोल्ट, तो ऑक्सीडेशन से बनेगा, रिडक्शन से क्या बनाना है एल्कोहल, क्लियर होता है सब लोगों को, बहुत सिंपल है। अब अगले वीडियो में मैं क्या करूंगा, आपको एल्डोल और कैनिजारो इनके आपको मैं जो क्वेश्चन मैंने पहले दिए थे ठीक है उनका प्रैक्टिस भी कराऊंगा, साथ ही साथ कंपैरिजन भी करा दूंगा जिससे एकदम याद हो जाएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में आपको प्रैक्टिस कराऊंगा अच्छे से एल्डोल और कैनिजारो की, क्योंकि ये दोनों केमिकल रिएक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हमारी ये केमिकल रिएक्शन वाली सीन तो एकदम खत्म हो जाएगी, इसके अलावा अगर एक आध दो कोई केमिकल रिएक्शन बची हुई तो मैं अगले वीडियो में उसको भी कंप्लीट कर दूंगा,
मतलब फाइनल टचअप दे दूंगा नेक्स्ट वीडियो में, और उसके बाद कार्बोक्सिलिक एसिड को हम लोग शुरू कर देंगे। समझ में आता है सब लोगों को? टिल देन इसको अच्छे से प्रैक्टिस कर लो, क्लियर होता है, और अपने दिमाग में डाल लो कि एल्डोल में क्या होता है, कैनिजारो में क्या होता है, ये बात ध्यान रखो। जो बोला गया उस पर काम करके खुद से देखो। एल्डोल में सिर्फ पानी निकालना है, पानी भी, पानी में क्या होता है, दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन। हाइड्रोजन दो निकलेंगे, वो अल्फा हाइड्रोजन होने चाहिए, और ऑक्सीजन कार्बोक्सिलिक ये जो कार्बनिल ग्रुप है उसका ऑक्सीजन निकालना है। इतना आसान काम करना है जो बोल रहा हूं, खुद से करके देखो बजाय कॉपी करने के, खुद से करके देखो जो बोल रहा हूं, आपके प्रोडक्ट बनने लगेंगे। ट्राई करो, और इसी तरह से यहां पर इसको भी ट्राई करो, खुद से चुटकियों में हो जाने चाहिए। कैनिजारो में जो भी आप सबस्ट्रेट ले रहे हैं, एक बार उसका ऑक्सीडेशन करो और कार्बोक्सिलिक एसिड का सोल्ट बना डालो, एक बार उसका रिडक्शन करो और रिस्पेक्टिव अल्कोहल बना डालो। कुछ नहीं है, शो ट्रिक मैं अगली बार बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। चलिए गाइस, टिल देन थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट। डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करना मत भूलिएगा। थैंक यू।